एवरी वन। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सिंपली गाइस आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा जूनियर इंजीनियर न्यू वैकेंसी 2022 की अपडेट के बारे में। तो सिंपली गाइस ले चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे अपडेट देखते हैं क्या निकल के आई। तो यहाँ पर सिंपली जो है टाइप करेंगे अपने वेबसाइट को, तो यहाँ पर सिंपली जो है हमने टाइप कर दी अपनी वेबसाइट को। यहाँ पे जो है SSC की तरफ से जो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं कि इसमें क्या पोस्ट निकल के आती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा आपको SSC जूनियर इंजीनियर न्यू भर्ती 2022, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी जो निकल के आई है ये वेरियस वैकेंसी है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी कर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो डिमांड किया गया है आपका BTech प्लस डिप्लोमा जो है डिमांड किया गया है। यहाँ आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बोर्ड से है SSC जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिक्रूटमेंट 2022। तो यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल 12/8/2022 से वैकेंसी जो रिलीज हुई है 12/8/2022 को रिलीज हुई है। इसकी जो है लास्टिंग डेट है 2/9/2022 तक इसकी लास्टिंग डेट है। यानी कि आपके पास जो है सिंपली जो काफ़ी टाइम इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप सिंपली इस फॉर्म को जो फिल कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट की बात करूँ, तो ये आपको 1 या 2 महीने के अंदर अंतर्गत जो है वेरीफाइड कर दिया जाएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन चार्ज की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन चार्ज जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है, और SC और ST SC ST एंड PH के लिए जो है 0 रुपीज़ रखा गया है। ऑल कैटेगरी फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पे 0 रुपीज़ रखा गया है। यहाँ पे डिपॉजिट फी की बात करूँ, तो यहाँ पे डिपॉजिट फी जो देखने को मिल जाएगा आपको 3 प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। आप 3 प्रोसेस के थ्रू जो है आप पेमेंटिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग थ्रू आप पेमेंटिंग करके जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैकेंसी पोर्टफोलियो यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा आपका डिपार्टमेंट ट्रेड, आपको SSC जूनियर इंजीनियर एलिजिबिलिटी होता है बॉर्डर। यहाँ पे एक्जैक्टली जो देखने को मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिंपली जो है इन डिपार्टमेंट की बात करूँ, ट्रेड की बात करूँ, SSC जूनियर इंजीनियर एलिजिबिलिटी की बात करूँ, यहाँ पे बॉर्डर रोड जो है ऑर्गेनाइजेशन BRO डिपार्टमेंट की तरफ से जो है सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड का जो डिमांड किया है। यहाँ पे जो है BTech डिग्री इन जो रिलेटेड ट्रेड और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विद जो 2 ईयर एक्सपीरियंस का जो है यहाँ पे डिमांड किया गया है। यहाँ पे अगर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स एंड डिपार्टमेंट CPWD के में बात करूँ, सिविल इलेक्ट्रिकल, तो सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो यहाँ पे जो है डिमांड किया गया है इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन द रिलेटेड ट्रेड का डिमांड किया गया है। अगर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के में बात करूँ, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड की यहाँ पे जो है नीडिंग है, यहाँ पे जो है जो डिमांड किया गया है इंजीनियरिंग डिप्लोमा ये रिलेटेड ट्रेड है। यानी कि आपके पास जो होता है सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम जो है कंप्यूटर साइंस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ट्रेड से, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। और जो है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन CWS के लिए सिविल मैकेनिकल का यहाँ पर डिमांड किया गया है, यहाँ पर डिप्लोमा होना जो है इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा, आप BTech किए हैं या तो डिप्लोमा किए हैं तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का डिमांड किया, डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड आप डिप्लोमा किया गया है पक्का। अगर बैरेज प्रोजेक्ट में इसमें भी सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिकल का डिमांड किया, इंजीनियरिंग डिप्लोमा का डिमांड किया गया है, और मिलिट्री में भी सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो डिमांड किया गया है। नेस्टा टेक्निकल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO का भी जो है सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो है इसमें डिमांड किया गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट सकरा शिपिंग का वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप होता है, तो यहाँ पर जो डिमांड है सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का डिमांड किया गया है। इसमें चाहे आपका के पास यू एफ द इंजीनियरिंग डिग्री एंड या तो डिप्लोमा होना मैंडेटरी है। अगर एज क्राइटेरिया बात करूँ, यहाँ से 20 से 32 साल देखने को मिल जाएगा, और 20 से 32 साल है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि आपको जो है काफ़ी टाइम दे दिया गया है एज रिलैक्सेशन में। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है BTech या डिप्लोमा डिमांड किया गया, ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट शेड्यूल बात करूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अप्लाई लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर सिंपली जो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिंपली जो ओपन करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसको करेंगे तो एग्जैक्टली जो है वहाँ यहाँ से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक किया,
यहाँ टोटली। और फिर अगर मैं आफ्टर दैट बात करूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन का, तो यहाँ पे इससे जो है इसका नोटिफिकेशन भी रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन भी रीडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी रीडिंग कर सकते हैं। ये होता है, ये हो जाएगा। फिर ऑफिशियल वेबसाइट होता है, यहाँ पे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा जो है मेन प्रोसेस है। तो सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आई होगी तो मत लाइक करिएगा। तो सो गाइस, मिलते हैं आपसे नए अपडेट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें, तो अगर नहीं लगे तो ना करें। तो सिंपली जो मिलते हैं आपसे नए अपडेट नए टिप्स के साथ। थैंक यू।